हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं टिप वन टिप टू इस तरीके से बोलना भूल जाती हूँ, बट मैं आप सबके साथ सारे टिप्स शेयर करूँगी। आप सब वीडियो कंटिन्यू देखिए और पूरा देखिए, तभी आप सबको समझ आएगा कि किस तरीके से मैंने अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसकी हालत बहुत ख़राब है और वो हर महीने दो महीने पर हर किसी के घर की ऐसी ही होती है कि आप वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करो या फिर किसी भी जगह को, किचन हो, वार्डरोब हो, ड्रेसिंग हो, कुछ भी आप ऑर्गेनाइज करते हो और वो वापस से जगह ख़राब हो जाती है तो हमें उसको फिर से ठीक करना होता है। बट अगर हम एक सलीके से ठीक करें ना, अपने सारे टिप्स को फॉलो करें कि हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, तो वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो चलिए बिना डिले किए मैं आप सबके साथ उन सारे टिप्स को शेयर करती हूँ। जो फर्स्ट नंबर टिप मेरी ये है कि किसी भी जगह को अगर आपको डीक्लटर करना है, क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो सबसे पहले आप उस जगह को खाली करें। जब तक आप उस जगह को खाली नहीं करेंगे, आपको उसका पूरा स्पेस पता नहीं चलेगा, आप उस जगह को क्लीन नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी ज़रूरत किधर क्या कैसे है। सेकेंड टिप मेरी ये है कि सारे जगह को खाली करने के बाद आप उस जगह को अच्छे से क्लीन करें। पहले आप उसकी डस्टिंग करें, जितनी धूल मिट्टी अगर है तो उनको आप रिमूव करें, नहीं है तब भी एक बार आप ज़रूर क्लीन करें। और क्लीन करने के बाद उसको गीले पानी से, कॉलिन से या फिर कोई DIY स्प्रे से उसको ज़रूर क्लीन करें, और ताकि वो पूरा जगह जो है ना वो वापस से ऑर्गेनाइज होने के लिए, सजने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे हम फेस वॉश करते हैं सजने से पहले, बिल्कुल उसी तरह जगह को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो मेरी थर्ड टिप है वो ये है कि जब आपने सारी जगह को इस तरीके से क्लीन कर लिया है, सारे कपड़े आपने बाहर निकाल लिए हैं, तो आप अपनी सारे कपड़ों को फोल्ड करना स्टार्ट करें। सबको फोल्ड करें, सेक्शन वाइज फोल्ड करें। उसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि डी क्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। आप किन कपड़ों को यूज़ करते हो, या फिर आपने बस सोच करके, प्लानिंग करके रखी हुई है कि मैं ये यूज़ करूँगा जो कुछ भी है, और आप नहीं कर रहे हो। पिछले एक साल में, पिछले छः महीने पे आपने उन कपड़ों को यूज़ नहीं किया है। मैं पार्टी वियर कपड़े की बात नहीं कर रही, नॉर्मली जो कुछ कपड़े होते हैं जो फिटिंग नहीं आते, या फिर मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि हमने ख़रीद लिया, अच्छा लगा, बट वो हमारे ऊपर सूट नहीं करता, ऐसा कुछ होता है, तो उस टाइप के कपड़ों को आप डिस्कार्ड कर दें, डीक्लटर कर दें। आप किसी को दे दें, या तो अपनी अगर अच्छे कंडीशन में है तो आप किसी को भी दे सकते हैं, और अगर अच्छे कंडीशन में नहीं है तो आप उनका कहीं और यूज़ कर सकते हैं, किचन वगैरह, क्लीनिंग, इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट टिप ये है कि आप अगर कपड़ों को समेट रहे हो, सबको एक साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो अगर आपके कुछ कपड़े प्रेस नहीं है तो आप उनको प्रेस कर लो, फोल्ड नहीं है तो, या फिर फोल्ड उनकी ख़राब हो रखी है तो आप उनको अच्छे से फोल्ड करके रखो। धुले हुए कपड़े, पूजा पाठ के कपड़े, इस टाइप के ऐसे कपड़े होते हैं, नए कपड़े, उन सब का सेक्शन आप अलग रखो, या फिर कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजिंग बैग्स आप ले लो, उसमें रखो कि हाँ ये पूजा वाले कपड़े हैं, या फिर धुल के हमें कुछ कपड़े रखने होते हैं ना कि पूजा वगैरह में यूज़ करने के लिए, तो वो सब इस तरीके से आप रखो। नेक्स्ट ये है कि जो नॉर्मली हम कहीं आने जाने के लिए थोड़ा बहुत छोटे मोटे पूजा फंक्शन पार्टी के लिए रखते हैं, या फिर कहीं आने जाने के लिए रखते हैं, उन कपड़ों को आप एक तरफ अलग रखो, अलग फोल्ड करके रखो, और जो आप बहुत कम, मतलब महीने, दो महीने, चार महीने में एक बार पहनते हो, उनको अलग रखो। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि हमेशा वाले अगर सेक्शन में हम हमेशा यूज़ करते हैं तो हम उस एक सेक्शन को ख़राब करेंगे तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, बट जो पार्टी वियर वगैरह सब बिगड़ जाते हैं ना, तो कपड़ों की लाइफ भी ख़राब होती है, उनमें कुछ मोती वगैरह ये चीज़ें जो लगी होती हैं वो चीज़ें भी ख़राब होती हैं, तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना होगा। उसके बाद आप डिसाइड कर लो, नेक्स्ट टिप ये है कि आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से कपड़े किधर रखने हैं। मेरे जो ये कबर्ड है, ये नॉर्मल जो शॉप से लेते हैं वैसी कबर्ड है, ऐसे ही हर किसी के पास लगभग ऐसी डिज़ाइन की होती है, तो इसमें हम तीनों के कपड़े होते हैं, मेरे, मेरे बाबू के और मेरे हस्बैंड के, हम तीनों के कहीं आने जाने की पार्टी वेयर के कपड़े होते हैं इसमें, तो इसलिए आप डिवाइड कर लो कि आपको किसके, कौन से सेक्शन में, कौन सी सेल्फ पे किसके कपड़े रखने हैं, और फिर उस तरीके से रखो कि एक साइड आपने कुर्ती रखी तो फिर सूट रखा, फिर साड़ी रखी, इस तरीके से हौच पौच बिल्कुल भी मत करो आप। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि मैंने सारे कपड़ों को जो है फोल्ड कर लिया है, सेक्शन वाइज ही किया है, आप सबको हर जगह वो भंडारा सा दिख रहा है, और फिर मैंने ऑर्गेनाइज करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैं साड़ी को हैंग करती थी, बट अब मैंने साड़ी को फोल्ड करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल भी गोवा में साड़ी नहीं पहन रही हूँ, वैसे तो मैं मुजफ्फरपुर में भी नहीं पहनती थी, बट
बट फिर भी वहाँ था कि चलो कभी कभार हो जाता था, बट गोवा में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 बार साड़ी पहनी है, तो इसलिए मैंने अब साड़ी अपनी कुर्तीज़ को और जो भी मेरे सूट्स वगैरह हैं उन सबको हैंग किया है। तो आप भी अपने ज़रूरत के हिसाब से कि आपको कब कहाँ क्या कैसे यूज़ करना है वैसे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। आप ऑर्गेनाइज़र्स की यूज़ कर सकते हो, आप बास्केट्स यूज़ कर सकते हो जो प्लास्टिक की आती हैं, या फिर आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस की भी यूज़ कर सकते हो। बट मुझे उस तरीके से उतनी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। बट अगर आपको अपने कबर्ड में ज़रूरत है तो आप ज़रूर रखो, उसको यूज़ करो, वो बहुत अच्छी। ये तीनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं आपके कपड़े। एक ऑर्गेनाइज़र तो मैंने यूज़ किया है, आप सबने देखा, तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो बस फ्रेंड्स, यही है मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही ढंग से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, आप सब देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं इधर साइड से ही। इधर मैंने 2 हैंकीज रखे हैं, उसके बाद मैंने ये सारे बैंगल्स लगाए हैं, सारे अलग अलग कलर्स के, या फिर कुछ कुछ सेम भी हैं बट हल्का सा शेड अलग है। वो मैंने इसलिए लगाए हैं, दो दो चार चार जो 2 के पेयर में आते हैं वो तो 2 हैं, नहीं तो जो 4 6 इस तरीके से। ये 6 पीस गोल्डन का मैंने इसलिए रखा है ना कि कोई सा भी मुझे पहनना हो और अगर साड़ी पहननी हो तो उसको मैं ऐड करके इसको अच्छा सा एक सेट बना सकती हूँ, इसलिए मैंने एक सेट यहाँ पे रख दिया है। बाद बाकी सारे कलर्स नॉर्मली मैंने लगा दिए हैं कि किसी भी कलर की कुर्ती या फिर कुछ भी मैं पहनती हूँ तो इस पे से 2-2 पहन लूँगी। चूड़ियाँ वो तो कंपलसरी होती है पहननी, तो जब मैचिंग ढूंढने चलती हूँ ना तो मिलती ही नहीं है बिल्कुल भी कि कहाँ कौन सी रखी है, तो जो पहनी होती हूँ वहीं पहन कर चली जाती हूँ, इसलिए मैंने ये सारे लगा दिए हैं। उसके बाद अब चलते हैं इधर सबसे ऊपर। तो ये सेक्शन हस्बैंड का है, एक सेल्फ उनका है, ये सारे इथनिक वियर्स उनके कुर्ताज वगैरह हैं, इधर उनकी सारी शर्ट्स है, ये टी शर्ट्स है और वो जीन्स है। ये ऐसे कपड़े हैं ना वो जो मतलब कहते हैं ना साल में 1 या 2 बार पहनते हैं, वो सारे कपड़े हैं उनके इधर। बाद बाकी उनके सारे कपड़े दूसरे वाले कबर्ड में हैं। नेक्स्ट आते हैं अंश वाले सेक्शन में। तो ऊपर में इसका आप सब देख सकते हो कृष्णा वाला, ये भी रख दिया मैंने। इसके सारे टॉल्स, गमछा, धोती, जो भी इसको मैं यूज़ कराती हूँ ना ओकेजनली, वो सारी चीज़ें हैं। नीचे इसके सारे कपड़े हैं, जनरली फुल स्लीव्स वाले कपड़े हैं, जनरली नहीं टोटली फुल स्लीव्स के कपड़े हैं, जिसमें कुर्ता, सूट सेट्स, सारी चीज़ें, शेरवानी वगैरह, जो भी फुल टी शर्ट्स हैं, जीन्सेज हैं, कुछ नए जीन्स हैं जो इसने कभी पहना भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो नहीं, पीछे मैंने इसकी 3 बेल्ट है इसके पास, तो पीछे मैंने तीनों इसकी बेल्ट डाल दी। नेक्स्ट मैं आती हूँ अपने सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने कुर्ताज हैंग किए हैं। पहले मैंने यहाँ पे साड़ी रखा हुआ था बट मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ, वो झूठ मूठ के हैंग किए हुए रहते हैं, इस वजह से मैंने सारे कुर्ते, सूट, लेगिंग जो भी है मतलब सेट लगा के ही मैंने इस पे डाला है कि बस निकालूंगी और पहनूंगी। इसमें से कुछ कपड़ों को प्रेस करना, और जानबूझकर मैंने हैंग किया है ना कि प्रेस करो तो वो वापस से सिलवटे पड़ जाती हैं, तो जो जो अभी प्रेस करना है जैसे ये कुछ कुछ अभी प्रेस करना है तो उनको प्रेस करके वापस से हैंग कर दूंगी, तो सिलवटे भी नहीं पड़ेंगे और अच्छे से हैंग रहेंगे। उसके नीचे मैंने ये सारे जो कुर्ते रखे हैं ना, सूट सेट, कुर्ता सेट, ये सब कुछ है इसमें, 8-10 लगभग है यहाँ पे। ये सारे वो कपड़े हैं जिनको मैंने अभी तक पहना नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कपड़े हैं, जनरली एक एक करके पहनना है मुझे, सब मैंने बनवा के रखे हुए हैं। तो इधर लेगिंग्स हैं जो कि एक्स्ट्रा लेगिंग्स हैं मेरे पास, तो उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके पीछे जो है उधर दुपट्टाज हैं, 3-4 दुपट्टा हैं जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, अभी वो किसी कपड़े पे नहीं जाते हैं तो, और अच्छे कंडीशन में, तो वो मैंने रखा हुआ है। लेगिंग्स भी सारी ब्रांडेड लेगिंग्स हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, आप सबको देखने में ही लग रहा होगा, सारी लाइक्रा की ही हैं, तो इसलिए मैंने रख लिया है कि किसी पर मैचिंग आ जाएगा, कोई नया कुर्ता लूँगी तो। और ये रहा मेरा पर्स जो कि मैं जनरली कहीं अगर ज़्यादा सामान लेकर जाना होता है तो मैं उसी को कैरी करती हूँ। नेक्स्ट इधर आया वापस से मेरा पर्स का सेक्शन, जिसमें कि मैंने अपने सारे पर्सेस रखे हुए हैं, आप सब देख सकते हो, वो मेरी शादी वाला पर्स है, ये सब ऐसे ही छोटे मोटे पर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे। तो नीचे इधर मेरे सारे 1 पीसेस रखे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं है, 3-4 ही हैं क्योंकि उतना मैं पहनती नहीं हूँ। उसके बाद इधर टॉप्स हैं, ये टॉप्स वो हैं जो बिल्कुल कहीं हम घूमने वगैरह जाते हैं ना तो उस टाइप के टॉप्स हैं, अदरवाइज जो नॉर्मली टी शर्ट टॉप्स मैं पहनती हूँ वो मैंने दूसरे वाले कबर्ड में रखा है। इधर भी वो जीन्स और ट्राउज़र हैं, ये बिल्कुल न्यू ट्राउज़र मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, मैंने मिंत्रा से मंगवाया है। इधर वो साड़ियाँ हैं इस वाले पैकेट में जो साड़ी धुल चुकी हैं, मतलब बिल्कुल मुझे पूजा पाठ ऐसे पहनना होगा तो मैं पहनूंगी। और नीचे आप सब देख सकते हो सारी साड़ियों का ही मेला लगा हुआ है। इधर दो साड़ी है इसमें जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो उनको मैंने इधर रख दिया है थैली में करके कि पता चले कि चलो वो न्यू साड़ी ही है। मैंने अपने 2 हैंडबैग्स हैंग किए हुए हैं जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, एक ये पर्स और 2 ये हैंडबैग्स और एक क्लच ये वाला, ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो इसलिए इसको भी आगे ही रखा हुआ है मैंने, और इन तीनों को तो सामने ही रख दिया है। बस ये रहा मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन।
आई होप आप सबको हेल्पफुल लगा हो कि हमें यूज़ के हिसाब से कपड़ों को रखना चाहिए और फोल्ड करके छोटे छोटे फोल्ड्स करके हम रखेंगे ना, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे वार्डरोब में आ जाएंगी और सबके सेक्शंस हम डिवाइड करेंगे ना कि किसकी चीज़ें किधर रखनी है और किस टाइप की चीज़ें रखनी है और अपने यूज़ के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा रखा है तो वैसे ही, बस एक आइडिया आप सबको मिल गया होगा कि किस तरीके से हम वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।